नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आइए देखते हैं खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। शहडोल दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, अधिकारियों के साथ पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ भोजन करेंगे पीएम। शहडोल के पकरिया गांव में पीएम मोदी लगाएंगे चौपाल। महिला सशक्तिकरण की मिसाल है गांव। सरपंच उप सरपंच समेत 30 में 13 महिला मंच। भोपाल में शातिर महिला ठग का खुलासा। 30,000 की इनामी महिला को क्राइम ब्रांच पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी दिल्ली में काट रही थी फरारी। जबलपुर में एक ही परिवार के तीन लोगों के शव मिलने से सनसनी। घर के भीतर फंदे से लटका मिला तीनों का शव। सुसाइड के कारणों का अब तक खुलासा नहीं। राजगढ़ में कल से बाबा बागेश्वर की कथा। आज हजारों महिलाओं ने निकाली भव्य कलश यात्रा। खिलचीपुर के स्टेडियम ग्राउंड में 3 दिन तक बहेगी भक्ति की धारा। दतिया में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भव्य स्वागत। सिविल लाइन में ट्रैफिक चौकी के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काफिला रोककर किया जोरदार स्वागत। भोपाल में नर्मदा के जल के लिए अनूठा प्रदर्शन। दानिश नगर के रहवासियों ने लगाए घर के बाहर बैनर। लोगों से मटका बजाने की अपील की। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले सक्रिय हुए हिंदू संगठन। 30 जून से वीएचपी के मालवा प्रांत की 3 दिवसीय बैठक। लव जिहाद, धर्मांतरण जैसे गंभीर मुद्दों पर होगा मंथन। सीहोर के बेरुंदा सीहोर स्टेट हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। बेकाबू वाहन पलटने से 25 यात्री घायल। घायलों का इलाज बेरुंदा सिविल अस्पताल में जारी। पूर्व डीएसपी बीडी पांडे अपने समर्थकों के साथ बसपा में शामिल। विधानसभा चुनाव में आजमा सकते हैं हाथ। पार्टी के प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद रामजी गौतम के सामने ली सदस्यता। सत्ता में NH 30 पर भीषण सड़क हादसा। नादन टोला के पास तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर। 2 महिलाओं की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। इंदौर के महू इलाके में तेंदुए की मौजूदगी से 25 गांव में दहशत। स्कूलों का बदला समय, ड्रोन से रखी जा रही शिकारी पर नजर। हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल ने खेत में चलाया ट्रैक्टर। कहा किसानों के साथ खड़ी है सरकार। श्योपुर के बिचपुरी गांव में दबंगों ने मां बेटी को जमकर पीटा। जमीन पर कब्जे को लेकर जमकर हुई मारपीट। श्योपुर जमीन विवाद मामले में पुलिस की कार्रवाई पर उठ रहे सवाल। पीटने वाले दबंग को छोड़कर पुलिस ने महिला और बेटी पर ही दर्ज की FIR। आपातकाल की बरसी को याद कर सीएम शिवराज ने बताया डार्क डेज ऑफ इमरजेंसी। ट्वीट कर लिखा संविधान और लोकतंत्र का गला घोट कर किया गया था आपातकाल लागू। कल बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा आएंगे भोपाल। पीएम मोदी के दौरे की लेंगे तैयारियों का जायजा और 27 जून को प्रधानमंत्री आ रहे भोपाल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष PD शर्मा ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर दी जानकारी। कहा 3,000 बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम। डिजिटल रैली में सीधे जुड़ेंगे पार्टी वर्कर्स। पीएम मोदी के शहडोल दौरे के दौरान दिखेगी ठेठ देहाती रंग। कांसे के बर्तन और महुआ के पत्तल में करेंगे भोजन। चंदिया की मशहूर सुराही का पानी पिएंगे। ग्वालियर हाईकोर्ट ने कमला राजा चैरिटेबल ट्रस्ट की याचिका स्वीकार की। ट्रस्ट ने AG ऑफिस ओवरब्रिज की जमीन का मांगा 7 करोड़ मुआवजा। हाईकोर्ट ने शासन से मांगा जवाब। ग्वालियर दौरे पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। कोरी कोली समाज के सम्मेलन में होंगे शामिल। समाज को साधने की होगी कोशिश। कर्नाटक टू दमोह लव जिहाद में सामने आया ताबीज कनेक्शन। पीड़ित लड़की ने हिंदू संगठनों से बातचीत में किया बड़ा खुलासा। हिंदू बनकर मुस्लिम युवक ने पहनाई थी ताबीज। उसमें उर्दू या अरबी में लिखी हुई थी इबारतें। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में 2 मालगाड़ियों की टक्कर। दोनों गुड्स ट्रेनों के इंजन पलटे। रेलवे ट्रैक और मालगाड़ियों को पहुंचा भारी नुकसान। बैतूल में निशा बांगरे ने घर के बाहर लगाया पूर्व डिप्टी कलेक्टर का बोर्ड। प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल का कटवाया बिजली कनेक्शन। बांगरे के घर पर जुटे सभी धर्मों के धर्मगुरु। निशा बांगरे के आयोजन पर बड़ा खुलासा। आमला में सर्वधर्म शांति के नाम पर विदेशियों को दिया निमंत्रण। नहीं ली केंद्र सरकार से अनुमति। दतिया दौरे पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा। कहा पार्टी संगठन ग्रास रूट तक मजबूत। भाजपा का संघर्ष अद्भुत अकल्पनीय।
मध्य प्रदेश में मॉनसून की दस्तक, शहडोल मंडला के रास्ते एमपी में मॉनसून की एंट्री, कई जिलों में बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। दमोह में पहली बारिश में भी उफान पर नदी नाले, मटियारदो के नाले को पार कर रहे बाइक सवार युवक की हुई दर्दनाक मौत। एमपी को मिले दोनों वंदे भारत एक्सप्रेस का शेड्यूल जारी, भोपाल से इंदौर जाने में अब लगेंगे 3 घंटे, 4.5 घंटे में ट्रेन पहुंचाएगी जबलपुर। इंदौर में गड्ढे में डूबने से 5 साल के बच्चे की मौत, खेलने के दौरान पानी से भरे गड्ढे में गिर गई थी मासूम, नर्मदा पाइपलाइन बिछाने का चल रहा था काम। भिंड शहर में अपराधियों के खिलाफ कॉम्बिंग गश्त, 10 से ज्यादा बदमाश गिरफ्तार, सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस ने की पेट्रोलिंग। जन सरोकारों के मुद्दे को लेकर भिंड में कांग्रेस ने निकाली रैली, अधिकारियों के नहीं आने पर कलेक्ट्रेट में चस्पा किए गए ज्ञापन, कलेक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी। सिवनी में आबकारी की बड़ी कार्रवाई, 61 लाख की शराब पर चला बुलडोजर, आबकारी आयुक्त के आदेश पर हुई कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में बांकी मोगरा बनेगा नया नगर पालिका, कटघोरा विधायक की मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए निर्देश, जल्द होगा निकाय का गठन। सूरजपुर के सतपता में बेकाबू ट्रक अनियंत्रित होकर होटल में जा घुसा, हादसे में बाल बाल बचे लोग, घटना में 3 बाइक क्षतिग्रस्त। गरियाबंद के ग्राम सिहार में हाथी ने महिला को रौंदा, मौके पर मौत, ग्रामीण घटना के बाद से डरे, इलाके में अलर्ट जारी। बिलासपुर में किसान को धमकाने के मामले में यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष शेरू असलम पर एक्शन, प्रदेश युवा कांग्रेस ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। बिलासपुर में 20 लाख रुपए की इमारती लकड़ी जब्त, ट्रक से हो रही थी इमारती लकड़ी की तस्करी, रायपुर का लकड़ी तस्कर मौके से फरार। धमतरी जिले में सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई, धमतरी अर्जुनी और कुरूद में छापेमारी, 6 गिरफ्तार, 16,000 के साथ सट्टा पट्टी जब्त। कोरबा के सेंद्रीपाली में बाइक पर हाईटेंशन तार गिरने से लगी आग, बाइक सवार की जलकर मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोरबा में एसएससीएल गेवरा आरएलएस से होगा सालाना 20 मिलियन टन कोयला डिस्पैच, कुसमुंडा में वर्कशॉप कॉम्प्लेक्स का किया जाएगा निर्माण, चेयरमैन ने किया उद्घाटन। छत्तीसगढ़ में कल से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र, जगदलपुर में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव में शामिल होंगे सीएम बघेल, बच्चों को दिए जाएंगे गणवेश और किताब। बस्तर से कल शुरू होगा छत्तीसगढ़ कांग्रेस का बूथ चलो अभियान, पार्टी में तेज हुई चुनावी तैयारियां, लोगों से सीधा संवाद बनाने की कोशिश। सीजन की पहली बारिश ने खोली बिलासपुर नगर पालिका की पुल, शहर के अधिकांश हिस्सों में भरा पानी, लोगों के घरों में घुस रहा है नालियों का पानी। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, प्रदेश के 14 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट, अगले 3 घंटे कई इलाकों में होगी बारिश। बिलासपुर जिले में झमाझम बारिश का दौर शुरू, मानसून की पहली बारिश में किसानों की जागी उम्मीदें, खेती किसानी के लिए राहत की बारिश। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी, बिलासपुर और रायगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी, अगले 24 से 48 घंटे के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। दुर्ग शहर में लगातार बारिश से नहर नालों में भरा पानी, लोगों को गर्मी और उमस से मिल रही बड़ी राहत, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बिलासपुर में शराब पीने से मना करने पर होटल संचालक से मारपीट, व्यापार विहार के पंजाबी तड़का होटल का मामला, बदमाशों ने होटल में की तोड़फोड़। रायपुर में 3 स्पा सेंटर्स पर पुलिस का छापा, 3rd जेंडर समेत 7 गिरफ्तार, 13 युवतियों से थाने में पूछताछ। रायगढ़ में सिक्योरिटी गार्ड हुआ ऑनलाइन ठगी का शिकार, लोकेशन अपडेट कराने के नाम पर अकाउंट से कटे 40,000 रूपये, अनजान नंबर से आने वाले कॉल से रहे सावधान। अंबिकापुर में फर्जीवाड़ा कर भाई ने ही बेची बहन की जमीन, पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फर्जी विक्रेता, बहन, भाई और गवाह गिरफ्तार। बलौदाबाजार के भाटापारा में चाकूबाजी की घटना पर बड़ी कार्रवाई, एक नाबालिग सहित 5 आरोपी गिरफ्तार, रेलवे स्टेशन के पास घटना को अंजाम देने के बाद से थे फरार।
कोरबा से क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 33 लाख की ठगी, दो शातिर ठगों ने वारदात को दिया अंजाम, 600 दिन में रकम तीन गुना करने का दे रहे थे झांसा। पेंड्रा में दल से भटके दो हाथी वापस मिले, बिछड़ने की वजह से दोनों थे आक्रामक, पिछले तीन दिनों में 10 से ज्यादा घरों को पहुंचा चुके थे नुकसान। सूरजपुर में तेज रफ्तार कार ने 5 लोगों को कुचला, सभी को कराया गया अस्पताल में भर्ती, कार ने टोल प्लाजा के बैरियर को भी तोड़ा। कोरबा में हथियार के दम पर एमपी नगर में लूटपाट, नकदी और जेवर लेकर फरार हुए बदमाश, बंधक बनाकर घटना को दिया अंजाम। कांकेर में छात्रा से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार, पीड़ित के घर में घुसकर किया छेड़छाड़ की कोशिश, शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। रायगढ़ पुलिस ने दो चोरों को किया गिरफ्तार, जूठ मेले इलाके में चोरी कर घर से निकलते ही मोहल्ले वालों ने पकड़ा चोरी के सामान जब्त।